जी हाँ बिल्कुल, आपने सबसे ही सुना, आपने सबसे ही देखा, आपने सुना क्या क्या जियो अभी आपको फ्री इंटरनेट नहीं देगा, फ्री में आपको बात करने नहीं देगा। जी बिल्कुल सही है ये कि अगर अभी आपको जियो फ्री में बात करने को नहीं देगा, कुछ अपनी लिमिट्स डाल देगा आपकी बातों के ऊपर, अगर आपको इसके बारे में जानना है पूरा तो वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, मैं पहले बोल रहा हूँ, खाली एक अंगूठा है तो दबाने का है, और सब्सक्राइब करने का जो कि फ्री है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज आपको मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा देंगे, बाजू में बेल आइकन भी दबा देंगे। तो चलिए पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे आपसे बात कर लेंगे। सब्सक्राइब करें टेक्निकल शुभ चैनल को और बाजू में आने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो जी हाँ, आपने सबसे ही सुना था, सभी मैंने जो अभी बताया था वो सही था कि आपके ऊपर, आपके कॉल के ऊपर जियो डाल देगा कुछ लिमिट्स। तो बात करते हैं उन लिमिट्स के बारे में। तो अब आपको जियो नहीं देगा फ्री में बात करने को। पहले क्या था, अगर आपने 399 का प्लान लिया तो आपको 3 महीने तक के लिए रोज का 1 GB प्लस अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको रोज का सिर्फ और सिर्फ 300 मिनट बात करने को मिलेगा। अगर आप वो 300 मिनट के ऊपर क्रॉस कर जाते हो तो आपको बात करने को ही नहीं मिलेगा, आप किसी को भी ट्राई कीजिए कॉल करना नहीं मिलेगा। अगर आप रोज, अगर समझिए ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये उन कंपनीज के लिए है जो जियो के द्वारा अपना प्रचार कर रही थी। अगर आपने कोई कंपनी खोल रखी है, आप 50 लोगों को कॉल करते हो, रोज के 100 लोगों को कॉल करते हो, नए लोगों को, नए कस्टमर्स को, वो नहीं चलेगा। कई लोग ऐसे कर रहे थे कि अपने टेलीकम्युनिकेशन के लिए जियो को यूज कर रहे थे क्योंकि फ्री था तो कस्टमर को रीच करना भी इजी था, और कितनी देरी बात करो कोई लिमिट नहीं है, तो रोज नए नए नंबर को लगाते थे, अनलिमिटेड बातें करते थे। पर अब वैसा नहीं होगा, अब जो भी कंपनीज है उनको जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो सिम है वो ब्लॉक कर दी जाएगी अगर आज रोज के नए 100 लोगों से बात करो जो कि नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, नए 100 लोगों को और 300 मिनट से ज्यादा बात कर रहे हो तो नहीं चलेगा। तो 300 मिनट से ज्यादा आप बात नहीं कर सकते, हफ्ता का 1200 मिनट से ज्यादा आप बात नहीं कर सकते, हफ्ते के 1200 मिनट, हाँ क्लियर है, 1200 मिनट, रोज के 300 मिनट और हफ्ते के 1200 मिनट। यानी जियो ने कुछ अलग ही तरीके से कैलकुलेशन लगाई, अगर रोज के 300 मिनट के हिसाब से भी लगाते हो आप तो 4 दिन का ही 1200 मिनट हो गया। तो ये किस तरीके से कैलकुलेशन लगाई है जियो ने मालूम नहीं, सीधा सीधा उनको ये कहना चाहिए था कि आप हफ्ते में 1200 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते, कोई रोज का 300 मिनट करे तो 4 दिन के बाद तो कॉल ही नहीं कर सकता। तो मालूम जियो किस किस टाइप से गेम खेल रहा है आपके साथ। जियो फोन में भी ऐसे ही किया था, जियो ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फोन लेने के 2 महीने बाद रिलीज की कि ये है, अगर आप साल का 1500 का रिचार्ज नहीं कराते तो आपका फोन वापस ले लिया जाएगा, ये वो, उसके बारे में तो हम बाद में अलग से बात करेंगे जब मेरे पास आ जाएगा जियो फोन, आज कल या परसों में आने वाला है जियो फोन, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, अनबॉक्सिंग तो मिलेगी आपको। पर अभी आप थोड़ा सा कंट्रोल में बात कीजिए, ये स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन ने निकाला है कि कई लोग क्या है इंडिया के अंदर फ्री मिल गया मतलब 24 घंटे फोन पे लगे रहते हैं, वो काम नहीं चलेगा अभी, इससे लोगों का जो दिमाग है वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, खाली बातें बातें में जा रहा है, ऐसा एक रिसर्च आया है जिसके कारण काफी स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़े टेलीकॉम को, जो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको, और जियो को कहना पड़ा कि भाई अब हम आपको नहीं देंगे 300 मिनट से ज्यादा बात करने को। तो कंपनीज तो गई घाटे में, और अगर आप दिन भर लगे रहते हो फोन से तो थोड़ा अभी फोन को साइड में रख के अपने कामों में भी ध्यान दे दीजिए, फोन 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 आपको काम नहीं आएगा, तो अपने कामों को भी ध्यान दे दीजिए और बस बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए, और अब नहीं दे मिलने वाला है आपको 24 घंटे बात करने के लिए। तो बाय।